न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर नंबर 5 इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अप्रॉक्सीमेटरी सॉल्यूशन फाइंड करने के बारे में सीखेंगे। इसमें हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होगी, टी वाई बाई टी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टी। ये जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स टी, ये हमारे पास कोई भी फंक्शन हो सकता है, इस तरह की फॉर्म में भी। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ वाई टी किस फॉर्म में हो सकता है हमारे पास, वाई प्लस टी एफ ऑफ वाई टी टी कॉस टी एंड सो ऑन। जब हम इनके डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास, अब हम जब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे, डी वाई वन ओवर डी टी एफ वन टी वाई वन वाई टू एंड सो ऑन वाई एन। अब हमारे पास आ रहा है लिप्सिस कंडीशन क्या होती है। अ फंक्शन एफ ऑफ टी वाई इज सेट टू सेटिस्फाई अ लिप्सिस कंडीशन इन वेरिएबल वाई ऑन द सेट टी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर इफ़ दी कॉन्स्टेंट एल ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट विद दी कंडीशन। कहते हैं हम किसी भी इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फंक्शन हमारे पास एक्स टी है, ये लिप्सिस कंडीशन हम तब कह सकते हैं कि ये लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है अगर हमारे पास एक कॉन्स्टेंट एल आ जाए। कब? जब हमारा जो फंक्शन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। एफ ऑफ टी वाई वन माइनस एफ ऑफ टी वाई टू लेस देन और इक्वल टू एल मॉड ऑफ वाई वन माइनस वाई टू। अब हम इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन देखते हैं कि इसको हम किस तरह से अप्लाई करके लिप्सिस कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास एल है वो क्या होगा, लिप्सिस कॉन्स्टेंट। एग्जाम्पल नंबर वन, शो दैट एफ ऑफ टी वाई टी मॉड ऑफ वाई सेटिस्फाइज अ लिप्सिस कंडीशन ऑन द इंटरवल टी मॉड ऑफ टी वाई वेयर वन इज लेस देन और इक्वल टू टी इज लेस देन और इक्वल टू टू। ये वन पे हमें कंडीशन, ये हमें टी पे कंडीशन दी गई है कि टी हमारे पास किस इंटरवल, क्लोज इंटरवल वन टू टू तक, टू में से होगा। और वाई पे क्या कंडीशन है कि वाई हमारे पास बिलोंग करेगा माइनस क्लोज इंटरवल माइनस थ्री टू फोर तक। अब अकॉर्डिंग टू लिप्टिस कंडीशन, लिप्टिस कंडीशन क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ एफ ऑफ टी वाई वन माइनस एफ ऑफ टी वाई टू लेस देन और इक्वल टू एल मॉड ऑफ टी y1 माइनस y2। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन है क्या है, t मॉड ऑफ y f ऑफ टी वाई वन माइनस एफ ऑफ टी वाई टू। ये हमारे पास f ऑफ टी वाई वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, t मॉड ऑफ y1 माइनस और f ऑफ टी वाई टू t मॉड ऑफ y2। अब हमें पता है कंडीशन, अब हमने यहाँ पे इनइक्वालिटी यूज़ की, कौन सी, वी नो दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। इसमें हमने ये इनइक्वालिटी यूज़ की तो हमारे पास क्या आ गया, मॉड ऑफ टी वाई वन माइनस टी मॉड ऑफ वाई टू इज लेस देन और इक्वल टू दी मॉड ऑफ टी मॉड ऑफ वाई वन माइनस मॉड ऑफ वाई टू। यहाँ हमारे पास, इससे पहले हमारे पास एक और स्टेप था, यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए था, मॉड ऑफ टी वाई वन माइनस टी मॉड ऑफ वाई टू लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ टी मॉड ऑफ वाई वन मॉड माइनस मॉड ऑफ टी मॉड ऑफ वाई टू मॉड। अब हमने यहाँ पे इनइक्वालिटी, यहाँ पे हमने कौन सी टी की कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे टी की वो वाली वैल्यू चूज़ करेंगे जहाँ से हमारे पास कांस्टेंट लिप्सिस कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर आए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, टी की वैल्यू वन और टू, तो हम कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे यहाँ पे, टू, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्रेटर वैल्यू। दस एफ सेटिस्फाइज अ लिप्सिस कंडीशन ऑन डी, तो हमारे पास यहाँ पे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें, यहाँ से हमारे पास एल की वैल्यू क्या आ गई, टू। दस एफ सेटिस्फाइज लिप्सिस कंडीशन ऑन डी इन द वेरिएबल वाई विद लिप्सिस कांस्टेंट एल इज इक्वल टू टू।